ये जो पाकिस्तान आज इंडिया से मुकाबला हारा है ना, ये इन्होंने हारना ही था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक जीत के बाद दूसरे का जीना हराम कर देते होते हैं। हमने इतना मजाक उड़ाया जब हमने इंडिया को हराया, इरफान पठान का मजाक उड़ा रहे हैं, युवराज का मजाक उड़ा रहे हैं, उथापा का मजाक उड़ा रहे हैं, सुरेश रैना का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके अकाउंट पे जाके उनको तंग कर रहे हैं, और इतना उनको तंग किया कि उन बेचारों के लिए मुश्किल हो गया हुआ था। जब आप ऐसी हरकतें करते हो फिर आपको फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हुआ क्या, हम जो मैच जीते थे उस मैच की कोई वैल्यू नहीं थी, वो वाला मैच जीते जिसने उनको ट्रॉफी दे दी है हाथ के अंदर। जी हाँ, वो चैंपियन बन गए। कर्मा ऐसा हिट किया है कि हमें पूरी तरह से हिला के रख दिया। हमारे खिलाड़ियों का ये हाल अगर आप देखें, शुएब मलिक जो है कैच छोड़ के हंस रहा है, वहाब रियाज वाइड करके हंस रहा है, आमिर यमीन जो है वो कैच छोड़ रहा है, वो सीरियस नहीं हो रहा, यूनुस खान मैच हारने के बाद हंस रहा है, शुएब मलिक से हिट नहीं हो रही, सिंगल ले जा रहा है आगे से हंस रहा है। बंदा पूछे, आप इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल है, ट्रॉफी का फाइनल है, और आप किसी लीग का मैच नहीं खेल रहे। बेशक लीग का मैच है, लेकिन आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऐसा पाकिस्तानी खेल रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप कर तो कर क्या रहे हैं। किसी एक के चेहरे के ऊपर भी सैडनेस नजर नहीं आई कि आप एक तो चैंपियनशिप हारे हैं, ऊपर से आप भारत से हारे, इंडिया से हारे हैं। किसी एक के चेहरे के ऊपर हल्का सा दुख नजर नहीं आया। पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया, पाकिस्तान ने रन बोर्ड पे कम लगाए थे और उसकी वजह थी पाकिस्तान की पुअर बैटिंग लाइनअप। अब पता चला कि ये पाकिस्तान की टीम में जगह क्यों नहीं बना पाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये प्रेशर वाले मैच में खेल ही नहीं सकते। ये आपने देखा ना, आज पहला मैच था प्रेशर वाला, उसके अंदर क्या हाल हुआ। शर्जील खान की अगर बात करें, सेमीफाइनल के अंदर फेल, फाइनल के अंदर फेल, जो प्रेशर वाले मैच थे स्वेब मकसूद फेल। आप प्रेशर वाले मैचेस के अंदर तो फेल हो रहे, फिर फायदा क्या आपके रन करने का, जब आप रिलैक्स होकर तो आप रन कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की, शुएब मलिक ने 36 बॉलों पे 41 किया, दूसरी तरफ 30 बॉलों पे रायडू ने 50 मारा है। शुएब मलिक सेट हो गए थे, पाकिस्तान ने 7 से 15 ओवर के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 48 रन किए, इंडिया ने 67 रन किए। पाकिस्तान एक तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज का मैच हारा है, दूसरा पाकिस्तान एकदम से सोच के बैठा हुआ था कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। और एक और आपको चीज बताता चलो, पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू भारत की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा प्लेयर थे जो लीग क्रिकेट अभी भी खेल रहे थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, बत्ती रायडू, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, गुरकीरत, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने सालों साल क्रिकेट नहीं खेली। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की बात करें, शुएब मलिक अभी हर किस्म की लीग खेल रहा है, वहाब रियाज लीग क्रिकेट खेल रहा है, आमिर यमीन आपका करंट का प्लेयर है, शर्जील खान आपका अभी इस वक्त का प्लेयर है, स्वेब मकसूद आपका अभी का प्लेयर है, ये सारे आपके करंट प्लेयर्स हैं। उनके होने के बावजूद आप मुकाबला हार गए, और दोबारा से पाकिस्तान, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था, क्योंकि अभी जितनी भी टीम थी उन सब ने हल्की हल्की टीम बनाई थी, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम थी। अगली दफा सबकी स्ट्रॉन्ग टीम होगी और पाकिस्तान फिर जीतने की काबिलियत नहीं रखता। पाकिस्तान ये जो मैच हारा है अपने नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से हारा है, और इसकी जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान को सवाल के जवाब देने पड़ने हैं। शुएब मलिक वैसे टीवी में बैठ के बड़ा बोल रहे होते हैं, आज उन्होंने क्या फाइनल के अंदर किया, उनके पास तो पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस था क्रिकेट खेलने का, अगेन वो फ्लॉप हो गए ना बड़े मैच के अंदर आके। तो अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान चैंपियनशिप जीती जीती हार गया, जो नहीं होना चाहिए था। भारत ने मुकाबला जीता, इनको मुबारकबाद दो, वेल प्ले, अच्छी क्रिकेट खेली, तभी ये लोग डिजर्व करते थे जीतना। और जो पठान ब्रदर्स हैं क्या खूब खेलते हैं, मतलब के बताया, शाहिद अफरीदी से छक्के नहीं लग रहे थे, यूसुफ पठान ने छक्के मार के दिखाए कि वो अनफिट, प्रॉपर तरीके से फिट भी नहीं है, फिर भी उन्होंने छक्के मार के दिखा दिए। ये होते हैं प्लेयर्स।